नमस्कार, मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उन्नाव में कार से बकरी चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने पशुपालक को कुचला, थमी सांसें। मैनपुरी में नियमों को अनदेखी कर रहे संचालित हो रही दो अस्पतालों को ओटी सील, शिकायत पर पहुंचे डिप्टी CMO ने की कार्रवाई। रामपुर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने रोडवेज में मारी टक्कर, 18 लोग हुए घायल। हल्द्वानी से दिल्ली जा रही थी बस। कासगंज में प्रसव के दौरान बिगड़ी प्रसूता की हालत, कुछ ही समय तोड़ दिया दम, घरवालों ने किया हंगामा। CM योगी के जन्मदिन पर काशी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक, दुर्गायुगी की कामना। अभी लगेंगे लू के थपेड़े, गर्मी से रहा नहीं, दोपहर में लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। जौनपुर में ढेर हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश, हत्या और लूट समेत दर्ज है मुक्तेश 37 मुकदमे। चंदौली में डंपर की चपेट में आने से दो मजदूरों की थमी सांसें, सड़क निर्माण के दौरान हुआ हादसा। कानपुर में इस सप्ताह चढ़ेगा पारा, झुलसाती रहेगी तपिश, मौसम विभाग ने दी जानकारी। अलीगढ़ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की थमी सांसें, आंख और हाथ पर मिले चोट के निशान। आगरा में चपरासी की बेटी बनेगी डॉक्टर, मानसी मिश्रा ने नीट MBBS प्रवेश परीक्षा में हासिल की सफलता। डायरिया के साथ उल्टी और बुखार के मरीज बड़े, धूप में ना निकलने की दी डॉक्टरों ने सलाह। मथुरा में हार्ट अटैक से सिपाही की थमी सांसें, घर में मची चीख पुकार, वर्ष 2016 में हुआ था भर्ती। आगरा के लक्ष्य और उज्ज्वल रहे अव्वल, जिले से परीक्षा में शामिल हुए थे 50,000 अभ्यर्थी। झांसी के रेलवे अस्पताल में दवा आपूर्ति के टेंडर पर अदालत ने लगाई रोक, मरीज परेशान। झांसी में इंटरसिटी एक्सप्रेस के AC ने किया यात्रियों को परेशान। गाजियाबाद में मोती महल रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल ने पाया काबू। गाजियाबाद में घर में घुसकर दादी पोती से गहने लूटे, पुलिस ने दर्ज की चोरी। जालौन में लापता छात्र के कपड़े नदी किनारे मिले, परिजनों में कोहराम, अनहोनी की आशंका, तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर में अनियंत्रित होकर पलटी कार, किशोर की थमी सांसें और 4 घायल, हो रही मेडिकल कॉलेज रेफर। ये थी अभी तक की 20 बड़ी खबरें। बनवारी लाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो दोस्तों, अगर आप अपने छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप कम खर्च में बड़े TV चैनल की तरह विज्ञापन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमारी टीम 24 घंटे आपके सहयोग के लिए तैयार है।